गोपीचंद हाँ गुरुदेव मैं अवश्य छुट्टी दूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए, परंतु पुत्र उधर इंद्रासन का सवाल है। अगर इस समय मैं तुम्हें आज्ञा दे दूंगा कि माता को चरण की सेवा करने के लिए जाओ तो इंद्रासन विध्वंस से नहीं बचेगा। उधर घोड़ा ततलिया गढ़ बंगाल में संकल्प लिया है कि 12 वर्ष के अंदर अगर गोपीचंद मुझे खोल करके यहाँ से नहीं ले जाएगा तो मेरा मृत्यु होगा। घोड़ा ततलिया का मृत्यु होगा तो वह इंद्रासन कैसे बचेगा मेरा भक्त? इसलिए मेरा भक्त पहले गढ़ बंगाल जाना होगा, यानी सिंगापुर बंगाल, महाराजा सुल्तान सिंह की हाथ से घोड़ा ततलिया खोलने के लिए। उसके बाद माता मैना की चरण की सेवा। जब तक घोड़ा ततलिया खोल करके नहीं आएगी तब तक मैं आज्ञा नहीं करूंगा माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए। क्या है गुरुदेव, जब तक मैं आपका वचन को पूरा करने के लिए सिंगापुर बंगाल में नहीं जाऊंगा या तब तक आप आज्ञा नहीं दीजिएगा माँ चरण की सेवा करने के लिए ना? एकदम नहीं। ये सारा सामान भी ले लीजिए ना, ये आपका दिया अलग के माला ये भी ले लीजिए, और मुझे आज्ञा चाहिए ये माता मैना की सेवा करने के लिए मैं चलूंगा ना, क्या दूसरा कुछ नहीं प्रभु? जिसे मैं ईश्वर का तुल्य मानते थे, मेरे गुरुदेव स्वामी ने मुझे यह अर्पण किए थे दिए थे, जो मैं तुम्हारे गला में अलग की माला डाला था, जिसे तुम आज मेरे सामने भूमि पर बिगड़े, इसका अंजाम जानते हो क्या होता है? गुस्सा आ गया तुम्हें? राजा परीक्षित कलयुग का गुस्सा में भी आसन दिया है, लगता है तुम्हारे ऊपर कलयुग चढ़ गया है। खैर ठीक है, तुम्हें आज्ञा चाहिए माता मैना की चरण की सेवा करने के लिए ही ना? हाँ गुरुदेव, मुझे आज्ञा चाहिए क्या माता मैना को सेवा करने के लिए कहां से नगर गुजरात में चलूंगा प्रभु, क्योंकि आपका वचन को पूरा करते करते 12 वर्ष बीत गया मां। तो ठीक है, पहली आज्ञा कान खोल करके सुनो। सुनो प्रभु। जाओ, जा सकते हो, परंतु यवरी
जब तुम अपने राज की सीमा पर पहुंचोगे। क्या नहीं गुरुदेव, गुटे गुटे छेड़ दी जाती, तो तुम्हारे राजपाट कोठा सोफा सब जल करके भाग। मत कहो मुझे बाबा, तुम्हारे जैसे नारायण चेहरा मुझे नहीं चाहिए। ना तू मेरा हाथ से चेला और ना मैं तुम्हारा गुरु। गुरु और चेला का नाता टूट गया, पकड़ लेता है। जाओ जाने से इनकार किया, विश्वास कि तुम मेरा वचन उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन आज मेरा वचन उल्लंघन हुआ। तुम्हारी माता हमारे रोने की मुझे क्या लेना देना है? तुम्हारी माता मुझे क्या मतलब है? यार